Dear students, good morning to all of you. मैं आज खस के व्यावसायिक खेती प्रसंस्करण एवं उसकी औषधीय उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। खस का बोटनिकल नेम वेटिवेरिया जिजेनोइड्स है और यह फैमिली पोएसी कुल का सदस्य है। इसको हम इंग्लिश में इसको हम भेटी भर कहते हैं। खस भारतीय मूल का एक बहुवर्षीय सुगंधित पौधा है जो खाली मैदानों, जंगलों और नदी नालों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगा हुआ दिखाई पड़ता है। इसकी जड़ का रंग हल्की पीली होती है, साथ साथ भूरे रंग से लाल रंग की इसकी जड़ होती है। इसकी जड़ों में स्थित सुगंधित तेल के कारण खस का तेल विश्व प्रसिद्ध है। सुगंधित तेल के अतिरिक्त इसकी जड़ें, पत्तियां एवं तना क्रमशः कूलर, चटाई, पंखा एवं कॉटेज बनाने के काम में आता है। इसके अलावे खस की हरी पत्तियों का उपयोग कभी कभी पशु के चारे के रूप में किया जाता है। विश्व में प्रतिवर्ष 1,00,000 से 1,10,000 टन सुगंधित तेलों का उत्पादन होता है, जिसमें भारत वर्ष का तीसरा स्थान है। भारत वर्ष में खस के तेल का उत्पादन लगभग 20 से 25 टन के आसपास प्रतिवर्ष होता है। दिन प्रतिदिन खस के तेल का मांग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए भारत वर्ष के कई राज्यों में व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। खस के फूल बैंगनी या कुछ भूरे रंग के होते हैं जो मार्च से मई माह में खिलते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि खस की जड़ 3 सप्ताह में 60 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसके पौधे की जड़ें भूमि में जाल सा बना लेती है और इसकी जड़ को खासकर बांध, जो नया बांध बनाया जाता है, चाहे वो गंगा के किनारे हो चाहे कहीं का हो, वहाँ पर खस को लगाया जाता है। क्योंकि इसलिए लगाया जाता है कि इसके खस की ऊंचाई 1.5 मीटर होता है और उसकी रूट की गहराई 4 मीटर तक नीचे जाती है और रूट से कई पतली जड़ें निकलती है। खस की व्यावसायिक खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश,
असम, कर्नाटका, केरला, राजस्थान ईटीसी इत्यादि राज्यों में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से होती है, जिसमें कि राजस्थान के भरतपुर में सबसे ज्यादा खस की खेती होती है। अब इसका जो है अदर कंट्री में कहां कहां इसकी खेती होती है, भारत के अतिरिक्त इसकी खेती अन्य देशों में जैसे अमेरिका में होती है, अमेरिका, फ्रांस, तीसरा चाइना, बर्मा, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, इटली इत्यादि देशों में खस की व्यावसायिक खेती हो रही है। और तो इसका जो है खेती हो रही है। अब देखिए, कोई भी अगर हम खेती किसी का भी हम करते हैं तो उसको कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मार्केटिंग करने में हमको सुविधा हो, उसके लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे है मेडिसिनल यूज क्या होगा इसका, तो इसमें जैसे है कैंसर की बीमारी में इसका मेडिसिनल यूज में क्या होता है, इसका रूट का जो हम उपयोग करते हैं तो रूट का उपयोग करते हैं, कैंसर की बीमारी में उपयोग करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन, हेडेक, लेप्रोसी, स्वेलिंग, आर्थराइटिस, स्नेक बाइट्स, डायसेंट्री। तो इस सब बीमारी में हम इसका खास का रूट का उपयोग करते हैं। तो इसके अलावे हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे
शरबत, शरबत, शरबत में इसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद इसका उपयोग करते हैं पान मसाला में, इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों में, इसका उपयोग करते हैं खाद्य, फिर सिगरेट में भी उपयोग इसका करते हैं। इसके अलावे इसका तेल का उपयोग जो है कॉस्मेटिक का सामान बनाने में उपयोग हम करते हैं। इसमें एल्कलॉइड जो पाया जाता है, इसके तेल में कीटोन, हाइड्रोकार्बन एवं अल्कोहल एवं एसिड पाए जाते हैं। और इसके अलावा और जो है एल्कलॉइड जो है बेटी कार्डिनोल, एल्कलॉइड में बेटी कार्डिनोल, यही हुआ एल्कलॉइड भेटी भोन्स, भेटी भोन्स, ये सब जो है एल्कलॉइड है। भेटी कार्डिनोल्स, भेटी भोन्स, ये सब क्या है एल्कलॉइड है। और जे जे नीज, ये सब क्या है एल्कलॉइड है, ये सब एल्कलॉइड है, इसमें पाया जाता है। और एक चीज जाने कि एरोमेटिक ऑयल में कीटोन की अगर परसेंटेज अधिक होगा तो उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। अब इसमें इसका वैरायटी जो है, वैरायटी कौन कौन सी है, अभी सीमेप, CIMAP, सीमेप लखनऊ, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, जो कि कुरकेल, लखनऊ के कुरकेल जगह में ये है सीमेप। तो इसमें जो वैरायटी अभी जो रिलीज हुई है, पहला वैरायटी है सीम वृद्धि, सीम वृद्धि वैरायटी है, और दूसरा है सीम समृद्धि, यही दो वैरायटी है। इसकी उपज जो है, इसकी जो यील्ड है 20 से 30 केजी वायल प्रति हेक्टेयर फॉर 10 to 12 ईयर्स प्लांट, मतलब कि 10, ये जो है सिम वृद्धि जो है ये 10 से 12 मंथ्स जो 10 से 12 मंथ्स में ये 20 से 30 केजी वायल जो है ये प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। अब देखिए नेक्स्ट ब्लकी जो है कुछ ओल्ड, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी ओल्ड में है, ओल्ड में बहुत अच्छी वैरायटी है, वो है KS1 है। दूसरी ओल्ड वैरायटी है KS2, और तीसरी वैरायटी है कानपुर हाइब्रिड 8, चौथी वैरायटी है
कानपुर हाइब्रिड 40 और फिर पूसा हाइब्रिड 8। ये सब क्या है, ओल्ड वैरायटी है, जिसमें कि खास ये जो केएस 1 है इसकी तेल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है 1.5 साल में मैच्योर होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट परसेंटेज भी ज्यादा होता है। और इसके अलावे और कुछ वैरायटी है, जैसे केसरी है, केसरी है और गुलाबी है, गुलाबी और धरनी, ये सब वैरायटी खस की वैरायटी है। देखिए अब जो है हम एग्रो टेक्निक के बारे में बताएंगे कि इसकी खेती हम कैसे करेंगे। तो पहला है सॉइल, सॉइल इसमें क्या है कि समस्याग्रस्त भूमियों जैसे जलमग्न, जहां पर मतलब कि पानी का जमाव हो, लवणीय मिट्टी हो मतलब कि सलाइन सॉइल हो, क्षारीय अल्कली सॉइल हो जिसका पीएच 9 से 10 हो एवं बलुआर मिट्टी हो, तो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। उन भूमियों पर जहां वर्षा के दिनों में काफी पानी इकट्ठा हो जाता है वहां भी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए कौन होता है खस का, तो बलुई दोमट मतलब कि सेंडी लोम इसकी सबसे अच्छी उपयुक्त होता है मिट्टी, जो होता है खस के लिए उपयुक्त मिट्टी है सेंडी लोम, सेंडी लोम, सेंडी लोम सॉइल खस के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। एक तो होता है कि क्लाइमेट इसका होना चाहिए कि ठंडा का समय होता है, ठंडा का समय और ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स मतलब कि ह्यूमिडिटी इस मतलब कि होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल 1000 से 2000 मिलीमीटर और 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री तापक्रम पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, और प्रिपरेशन ऑफ लैंड हो गया, और जैसे है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और फिर है मैन्योर, अस्सी के जी नाइट्रोजन, 40 के जी P2O5 एंड 30 के जी K2O प्रति हेक्टेयर। अब देखिए अब क्या इसमें क्या करते हैं कि अब प्रिपरेशन ऑफ लैंड इसमें क्या करते हैं कि ट्रैक्टर से 2-3 गहरी जोताई हम करते हैं। गहरी जुताई करने के बाद क्या करते हैं, गहरी जुताई करने के बाद कि अंतिम जुताई के पहले 15-20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में हम डाल देते हैं, साथ साथ
ये जो 80 केजी नाइट्रोजन है इसका हाफ 40 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी P2O5 एंड 30 केजी K2O प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत में डाल देते हैं। तो ये क्या है कि ये बेसल डोज हुआ, और डालने के बाद क्या करते हैं कि इसको मिट्टी ट्रैक्टर फिर चलवा देते हैं। चलवाने के बाद अब क्या करते हैं कि इसमें कभी कभी डालते हैं, कभी कभी खास के रूट में दीमक लग जाता है, दीमक लग जाता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दीमक नहीं लगे उसके लिए क्या करते हैं, लिंडेन 65% 1.25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अभी लिंडेन कैसे छिड़काव करेंगे कि 1.25 केजी लिंडेन है, तो इसको 40 केजी रेड सेंट के साथ मिला देंगे, और जो तैयार किया हुआ खेत है उसमें हम उसको छिड़काव करवा देंगे, उसके बाद ट्रैक्टर चलाकर फिर पटा चलवा देंगे। मेरा क्या होता है, खेत की तैयारी हो गई। अब इसमें खेत की तैयारी हो गई तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको अब देखिए घास का जो है आप प्रोपागेशन कैसे करेंगे, प्रोपागेशन कैसे करेंगे, बाय सीड्स के द्वारा भी करते हैं, दूसरा करते हैं बाय स्लिप्स SLIPS स्लिप्स से भी करते हैं। तो यही है मेरा मतलब कि है प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन हम कर लिए कि बाय स्लिप्स के द्वारा, अब देखिए तो हम कैसे इस स्लिप्स कैसे तैयार करेंगे। मान लीजिए कि ये खास का पौधा है, इसमें ये सब जड़ है, बहुत पतली पतली जड़ होती है, और ये प्लांट है आपका, ये प्लांट है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो ये पूरा एक साल का ये पौधा रहता है खास का, जब हम स्लिप तैयार करते हैं तो ये खास का पौधा कितने दिन का होना चाहिए, एक साल का होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पर सब में जड़ लगा हुआ रहता है, यहाँ पर ये जड़ लगा रहता है, इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा कि इस स्लिप तैयार करेंगे, इसका यहाँ से क्या करते हैं काट देते हैं, और इसकी लंबाई जो होगा ये जो है एक फीट होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग हम इसको निकाल लेते हैं, जैसे ई हुआ, इसमें जड़ है, इसमें यही हुआ मेरा, ई हुआ स्लिप्स। तो इसको अलग अलग निकालते हैं, लेकिन इस स्लिप्स का क्या होना चाहिए, इसका जो स्टेम क्या होना चाहिए, ये पूरा प्लांट क्या सॉफ्ट होना चाहिए, साथ साथ इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, ये रूट होना चाहिए, रूट होना चाहिए, इसमें रूट भी होना चाहिए, और ये जो स्टेम है, स्टेम ये क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो इस तरह से हम इसका तैयार करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो स्टेम है ये थोड़ा हार्ड है तो, और साथ साथ इसमें रूट भी है, तो हम इसको अकेले खेत में नहीं लगाएंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे कि जिसका हार्ड है, स्टेम, तो उस समय हम दो पौधा खेत में लगाएंगे। अब देखिए आपका जैसे यहां पर ये जो है आपका फील्ड है,
अब देखिए इसका जो है देखिए यही है, इसमें क्या है रो से रो की दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर युवा रो से रो की दूरी 60 सेंटीमीटर और इसकी दूरी है 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर, यहां से यहां 45 सेंटीमीटर है। हम इसी में ये जितना भी जहां जहां क्रॉस हुआ है यहीं पर हम क्या है खास की खास का स्लिप लगाएंगे, खास का स्लिप यहां लगा देंगे, लगा देंगे इसी पर हम लगाते चलेंगे, खास ऐसे लगाते जाएंगे, खास लगाते लगाते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा अगर 60 सेंटीमीटर रो टू रो 60 सेंटीमीटर लगे रो टू रो रोड डिस्टेंस, रोड टू रोड डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, यही है। तो अगर इतना हम लगाते हैं तो इसमें कितना प्लांट पूरे एक हेक्टेयर में कितना प्लांट लगेगा, एक हेक्टेयर में 37,000 स्लिप्स लगेगा, इतना प्लांट आपको ये पूरे एक हेक्टेयर में लगेगा। आप देखिए इसमें अब तो हम इसमें जो है आप जो स्लिप्स हार्ड था तो यहां पर दो प्लांट हम लगाए, जो सॉफ्ट था यहां पर एक प्लांट लगाए, क्योंकि हार्ड जो जिसका स्टेम हार्ड हो गया है तो हो सकता है कि वो सरवाइव नहीं करे। और इसके बाद हम पूरे प्लॉट में स्लिप को लगा दिए, उसके बाद क्या करते हैं हम सिंचाई कर देते हैं, हम क्या फिर क्या क्या कर देते हैं सिंचाई कर देते हैं। तो सिंचाई कर देते हैं, देखिए इसका जो है खास का जो प्लांटिंग टाइम होता है फरवरी से अक्टूबर के बीच किसी भी समय आप इसकी रोपाई कर सकते हैं या प्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन प्लांटिंग टाइम जो होता है इसका जुलाई अगस्त होता है इसका। ये जो है इसमें आपका प्लांटिंग हो गया, इसमें क्या होगा प्लांटिंग के खास जब हम रोपाई करते हैं, जब खास का प्लांटिंग करते हैं तो रोपाई के बाद या प्लांटिंग के बाद 60 से 70 दिन तक प्लांट का ग्रोथ धीमी गति से होती है। उसी बीच में ये जो है कतार है प्लांट से प्लांट की दूरी है, उसी बीच में घास काफी मात्रा में उग जाता है। और घास क्या करता है अगर घास काफी मात्रा में उग जाता है उसी बीच में तो घास क्या करता है तेल की गुणवत्ता पर प्लांट के ग्रोथ पर बुरा प्रभाव डालता है। तो उसको तो खरपतवार जो नियंत्रण करें तो कैसे खरपतवार को नियंत्रण करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं चाहे इसको इस प्लांट को जो हम क्या करते हैं इसको कुदाल से तमनी करवा देते हैं या नहीं तो 2 से 3 हैंड होइंग करवा देते हैं। और उससे भी अगर नहीं होता है अगर मजदूर की कमी होती है
तो आप क्या कीजिए कि एट्राजिन उईडी साइड है, उईडी साइड एट्राजिन, एट्राजिन 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव करा दीजिए। लेकिन छिड़काव कराने के पहले ध्यान रखना होगा कि इसमें नमी होना चाहिए। नमी रहने के बाद क्या होगा कि एट्राजिन मिट्टी की नमी से रिएक्ट करेगा और घास को, पूरे घास को मार देगा। तो इसको क्या करेंगे, हाफ के जी एट्राजिन है, इसको 40 के जी रेड सेंड के साथ मिलाकर इसको घास वाली जगह पर इसको छिड़काव हम कर देंगे। तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा ये जो है घास, इसका घास मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा, इसका खस का जो है रूट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और अगर घास, अगर इस प्लॉट में घास नहीं रहेगा तो तेल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, तेल का उत्पादन भी अधिक होगा और फसल का क्या होगा, फसल का बढ़वार भी अधिक होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें 2 से 3 सिंचाई, अधिक पैदावार के लिए 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि वर्षा के दिन में, अगर हम वर्षा के दिन में इसकी खेती करना चाहते हैं तो जैसे ढलुआ वाला जमीन जैसे है, या जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर हम वर्षा के दिन में खस की खेती कर सकते हैं। अब ठीक है, अब ईट जो है हो गया, तैयार हो गया पौधा, मतलब कि ईट तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है, इसका ये जो खस जब तैयार होता है तो इसको फूल आने के पहले इसको 20 से 30 सेंटीमीटर पर इसको काट देते हैं, जिससे कि इसमें फ्लावर नहीं आवे। अगर फ्लावर इसमें आ जाता है तो तेल की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, तेल का प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको उसके फ्लावर को हम काट देते हैं और इसका फ्लावर आने का जो समय है मई है। और जब मेरा एक चीज और, इसमें क्या होता है, खस का पौधा ये तैयार हो गया तो इसमें इसके जड़ में रेट का भी प्रकोप होता है, मतलब चूहे का प्रकोप लकी बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करते हैं कि हम जिंक फॉस्फाइड, हम चूहा को मारने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक फॉस्फाइड दवाई का उपयोग करते हैं, जिससे कि चूहे सब मर जाता है। अब मेरा लकी जो है, जब पौधा तैयार हो गया, मेरा पौधा जब तैयार हो गया तो हम क्या करते हैं, इसकी जड़ की खुदाई करते हैं, अपरूटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं इसको, तो 1 महीना पहले जो खस लगा हुआ है उसको ऊपर से हम 1 महीना पहले ही काट देते हैं। काट देने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लॉट को का जड़ को हम निकाल लेते हैं। जड़ जब निकालते हैं
तो उसका समय है, जड़ निकालने का समय है, जड़ निकालने का समय है। जड़ निकालने का समय है नवंबर टू फरवरी, यही है जड़ निकालने का समय। मेन जो टाइम है जड़ निकालने का नवंबर टू फरवरी है। अगर फरवरी के बाद अगर निकालते हैं तो क्या होगा कि पौधे में तेल की जड़ में, खास के जड़ में तेल की मात्रा घट जाती है। तेल जो तेल में जो वायल, जो वायल का जो क्वालिटी होता है वो डिटोरिएट कर जाता है। इसलिए हमको नवंबर से फरवरी के बीच में ही हमको अपरूट कर लेना है, खस का जो खस का अपरूट कर लेना है, खस का जड़ को अपरूट कर लेना है। और तो इसके बाद क्या करते हैं हम, तो खस तो हम खस हम पूरा अपरूट कर लिए। अपरूट करने के बाद हम क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। अब मेरा रूट सब हम निकाल लिए हैं खेत से। अब क्या करते हैं डिस्टिलेशन के पहले इस सूखी हुई जड़ को, तो सूखी हुई जड़ को पानी में इसको भिंगाएंगे। तो कितना घंटा भिंगाएंगे, 12 से 24 आवर्स, 24 आवर्स आवर्स इसको पानी में जड़ को भिंगाएंगे। तो भिंगाने के बाद क्या होगा कि अब इस जड़ को पानी से निकालकर छाया में सूखने दे देंगे। सूखने देने के बाद उसका जब नमी दूर हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसको जड़ को ढाई सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का क्या क्या पीस बनाएंगे, इसका रूट का पीस बनाएंगे। और ये रूट का जो पीस बनेगा 2.5 सेंटीमीटर, वो जड़ का जो होगा, जड़ जो होगा उसको 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा पीस बनाएंगे। उसके बाद क्या कि इस पीस को, इस टुकड़े को डिस्टिलेशन यूनिट के टैंक में डाल देंगे। क्या होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जड़ उसमें एडजस्ट हो जाए तो होने एडजस्ट हो जाए। उसके बाद डिस्टिलेशन यूनिट में डाल दिए। डालने के बाद उसमें भट्टी होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये है, ये हुआ ऐसे है। अब देखिए क्या है कि इसमें ऐसे इसी तरह का डिस्टिलेशन यूनिट होता है। यहां पर क्या होता है, मतलब कि आग लगाने के लिए यहां पर होता है, यहां पर आग ऐसे आग लगता है, यहां पर लकड़ी वगैरह से यहां पर। और इसमें क्या होता है, वाटर होता है, इसमें होता है प्लांट मेटेरियल होता है इसमें, प्लांट मेटेरियल। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वाटर, इसमें होता है वाटर, होता है कोल्ड वाटर, होता है कोल्ड वाटर होता है। तो यहाँ पर जब इसमें मतलब कि वाटर हुआ, इसमें मतलब कि हम प्लांट को, इसमें प्लांट मटेरियल को रख दिए। जब यहाँ पर गर्म होता है तो यहाँ से वेपर जो है, वेपर इससे क्या होता है कि यहाँ पर इसे वेपर इसमें जाता है। और वेपर जो रूट में जो वायल होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर यहाँ पर चला आता है, इसमें जो कोल्ड वाटर इसमें है, इसमें तो इसमें आ जाता है। और यहाँ से
तेल वगैरह एक रिसीवर में गिरते रहता है। तो इस तरह से हम इसको डिस्टिलेशन करते हैं। तो हम इस डिस्टिलेशन कर लिए रूट का। अब इसका तेल का उत्पादन कितना होता है, एवरेज उत्पादन कितना होता है, 12 से 40 केजी ऑयल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है ऑयल का। अब देखिए 12 केजी मिनिमम है, ये कहाँ, ये 12 मिनिमम इसलिए हम रखते हैं, जैसे खास का जो पौधा है वह अगर दो महीना पानी में डूब गया, तो दो महीना तो उसका ग्रोथ रुक गया, उसके बाद फिर पानी जब हट जाता है तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक हेक्टेयर में मात्र 12 लीटर आपको खस का तेल मिलेगा, और 40 लीटर या 40 केजी वायल कहाँ मिलेगा, जो कि हाईली फर्टाइल लैंड हो, वहाँ पर 40 केजी आपको वायल मिलेगा। अब जैसे एल्कली सॉइल और सेलाइन सॉइल, उसमें भी आपको इसी के अनुपात में आपको वायल मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे लेक्चर को पूरी तरह से ध्यान से सुना, थैंक यू।